एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था। उसका नाम था विक्रम। विक्रम बहुत ही उत्साही और जिज्ञासु था। एक दिन वह अपने गांव के बाहर निकल गया नए सफर की खोज में। उसने एक अजीब रास्ते को चुना जो उसे अनजान लगा, लेकिन वह निरंतर आगे बढ़ा। रास्ते में विक्रम ने बहुत सारे रोमांचक चीजें देखी, जैसे कि रहस्यमय पेड़ पौधे और चमकीले पशु। एक दिन विक्रम ने एक पेड़ के नीचे एक बड़े से राजा सिंह को देखा। सिंह की आंखों में विचारशीलता का प्रकाश था जो विक्रम को आकर्षित कर गया। विक्रम के मन में एक सवाल उठा, क्या यह संभव है कि एक बच्चा और एक शेर मित्र बन सकते हैं? धीरे धीरे विक्रम सिंह के पास गया और उसके साथ बातचीत करने लगा। सिंह ने विक्रम की बातें सुनी और उसका साथ दिया, जैसे एक सच्चा मित्र करता है। दिन बीतते गए और विक्रम और सिंह की दोस्ती मजबूत हुई। वे साथ में बहुत सारे मजेदार सफर करते रहे और अनगिनत कहानियां बुनते रहे। एक दिन एक बड़ा आफताब आया जिसने विक्रम के गांव को खतरे में डाल दिया। विक्रम ने अपने शेर मित्र से कहा, हमें अपने गांव को बचाना है, क्या तुम मेरे साथ हो? सिंह ने उसकी आवाज सुनी और उसके साथ चलने का निर्णय किया। वे मिलकर गांव की सुरक्षा के लिए लड़े और अंत में जीत हासिल की। गांव वालों ने उन्हें गर्व से गले लगाया और उन्हें गांव का नेता घोषित किया। विक्रम और सिंह ने साथ मिलकर दिखाया कि दोस्ती की शक्ति सभी संघर्षों को परास्त कर सकती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही दोस्त और आपसी सहयोग की शक्ति किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती है। तो याद रखें, हर संघर्ष में एक साथी होता है और सहयोग से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है, क्योंकि विक्रम और सिंह ने साथ मिलकर दिखाया कि दोस्ती की शक्ति को साबित किया जो किसी भी परिस्थिति में अद्भुत परिणाम ला सकती है। ध्यान देने वालों के लिए यह कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आती है कि हमें अपने साथी के साथ विश्वास और सहयोग करना चाहिए। चाहे वह किसी भी चुनौती हो, हमें अपने दोस्तों के साथ एकजुट रहना चाहिए। इस तरह हम साथ मिलकर हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम सभी मिलकर इस दुनिया में अच्छाई की बुनियाद रखें और अपने दोस्तों का साथ देकर उन्हें अपना सहारा बनाएं, क्योंकि वास्तव में एक साथ होकर हम सब कुछ कर सकते हैं और इससे हमें साथ मिलकर जीने की सही मिसाल मिलती है। यही है अजीब रास्ते अनोखा सफर की कहानी, जो हमें दिखाती है कि सहयोग और साथ मिलकर कितनी बड़ी शक्ति होती है। इसलिए चलो हम सब मिलकर इस अनोखे सफर में साथ चलें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें, क्योंकि यही हमारा असली उद्देश्य है।